और अब खबरदार करते हैं लाखों छात्रों की शंका से जुड़ी खबर से, जिस मुद्दे पर आज तक सबसे पहले दस्तक देता आ रहा है। खबर नीट परीक्षा से जुड़े छात्रों की है, जो परीक्षा के नतीजे में धांधली का आरोप लगाकर न्याय चाहते हैं। नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल हुई है। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई है। याचिका में दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। याचिका में 4 जून को आए नीट के नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश दिए जाने की मांग भी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं। संजय, बहुत चिंतित सारे छात्र रहे हैं शुरुआत से ही, जिस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिस तरीके से इस बार जरूरत से अधिक फुल मार्क्स लाने वाले छात्र हो गए, इस मामले में आगे क्या उम्मीद की जा सकती है इस याचिका के आधार पर? इसमें सबसे बड़ी बात कि 3 से 4 याचिकाएं दाखिल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से वो गुहार लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि 4 जून को जो रिजल्ट आया है, उन रिजल्ट में बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसके आधार पर काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही आदेश दिया जाए कि एग्जाम फिर से कराए जाए, क्योंकि इन परीक्षाओं पर कई तरह के सवाल हैं, उंगलियां उठी हैं और इसमें कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसकी वजह से कोर्ट इसमें एक एसआईटी का गठन करने का आदेश दे और एसआईटी इस मामले की जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी पता चल सके कि आखिर इस साजिश के पीछे किनका हाथ है। अब तक 4 याचिकाएं दाखिल हो चुके हैं और अब तक याचिकाएं आने का सिलसिला जारी है, तो मुझे लग रहा है कि कल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो मंगलवार को इस मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे, अवकाशकालीन पीठ से कहेंगे कि वो इस मामले में जल्दी सुनवाई करे, क्योंकि छात्रों के पास समय कम है और उनका भविष्य इसमें अधर में लटका हुआ है। लिहाजा जो भी फैसला, जो भी निर्णय लेना हो अदालत को, वो करे और सरकार से क्या चाहिए, सरकार को भी इस मामले में निर्देश जारी करे। शुक्रिया संजय। नीट परीक्षा कराने वाले एजेंसी एनटीए एक नहीं बल्कि कई मामलों में आरोपों के कटघरे में है। लखनऊ की एक छात्रा जिन्होंने नीट की परीक्षा दी, उनके आरोप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आयुषी पटेल का रिजल्ट नीट ने जारी नहीं किया, दावा परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने ये किया कि आयुषी की ओएमआर शीट यानी जिस पर उत्तर लिखे गए वो फटी हुई मिली। अब सवाल है कि अगर ओएमआर शीट एक छात्रा की फटी हुई है तो वो जमा कैसे हुई? आयुषी, क्या है ये, आपकी ओएमआर शीट को आपने डिमांड किया, क्यों डिमांड किया, फिर क्या जवाब मिला एनटीए की तरफ से? सर, 4 जून को जब मेरा रिजल्ट आता है, इसके पहले तक मुझे पता था कि मैं 715 मार्क्स स्कोर कर रही हूँ। मेरा रिजल्ट नहीं पता चलता है, मुझे दिखाता है रिजल्ट नॉट जनरेटेड, तो मुझे लगा 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक होता है इतना साइट पे, तो इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 घंटे हो जाते हैं, 7:30 बज जाता है, जब मैं रिजल्ट चेक करती हूँ, मैं नहीं आता है तब भी, तो मुझे एक मेल दिखता है, मेरे ईमेल पे एक मेल आया हुआ होता है फ्रॉम एनटीए कि आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं हो सकती, आपका रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आपकी ओएमआर शीट टॉर्न यानी डैमेज कंडीशन में मिली। फेथफुली मेरे मामा हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, उनको फोन करते हैं हम तुरंत, तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, मतलब मैं तुरंत उनके घर चली जाऊँ ताकि हम जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन ले सकें। तो घर जाते ही उन्होंने, हम लोग ने 10 मेल एनटीए को भेजे, 3 लीगल लैंग्वेज में थे जो कि मामा ने खुद से बताए थे, एडवोकेट मतलब ऐसी लीगल लैंग्वेज थी। तो हमसे मामा ने बोला कि वेट करते हैं कि 24 आवर्स का, कि अगर जैसे मतलब 24 आवर्स देते हैं हम एनटीए को, अगर वो हमारी ओएमआर शीट भेज देते हैं तो, अनलेस फिर हमको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। तो ओएमआर शीट जब हमने उम्मीद की थी कि ओएमआर शीट हमको मेरी डैमेज नहीं मिलेगी, हो सकता है फेक मैसेज हो, जैसा मैसेज हो बेबी, लेकिन ओएमआर शीट जब नेक्स्ट 24 आवर्स में आती है तो वो डैमेज्ड होती है, उसको बारकोड से टियर किया गया होता है। अच्छा, बारकोड से जी, बारकोड से उसको ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा गया हो। तो नीट की चैलेंजिंग के बाद जो फाइनल आंसर की होती है, मेरा S3 कोड है उससे जब मैं चेक करती हूँ, तो मेरा केमिस्ट्री में फॉर question number 1 सिर्फ वही गलत है, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही थे और मेरे 715 मार्क्स आ रहे हैं। 720 में 715, मतलब सिर्फ एक सवाल गलत, उसका एक मतलब नंबर काट के 715। यस सर, सिर्फ मतलब 715 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं ओएमआर में, बाकी सबको पिंक कलर की ओएमआर मिलती है, मुझे स्कैंड इमेज भी अगर इन्होंने भेजी है तो मेरे में अगर वो स्कैंड इमेज भी है तो उसमें थंब प्रिंट जो उसका है वो ब्लू है, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो ब्लैक होना चाहिए था। तो मतलब इसका जाहिर है कि मेरे ओएमआर के साथ उन्होंने मैनुअल टेम्परिंग की गई है। मैं कह रही हूँ अगर की भी गई है तो एटलीस्ट बबल्स विजिबल हैं, जो भी है उसको आप प्लीज मतलब
मेरा भी रिजल्ट दें, मुझे भी पूरा हक है, मैंने 4 साल से मैं इस पे मेहनत कर रही हूँ, बबल्स विजिबल हैं, आप उसको चेक करें मैन्युअली और मेरा भी रिजल्ट मुझे दिया जाए। तो नेक्स्ट डे हम जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर हमने पिटीशन फाइल कर दी और अब पहले इसकी हियरिंग ट्यूसडे को थी, बट क्योंकि कोर्ट्स बंद चल रहे हैं तो अब इसकी हियरिंग शिफ्ट होकर वेडनेसडे को हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए आयुषी की माँ भी हैं। कितनी मेहनत थी आप लोगों को? भी बराबर से मेहनत करनी पड़ी। बच्ची कितनी मेहनत कर रही थी? मेरी बच्ची सुबह 7 बजे जाती थी, सुबह 7 बजे कोचिंग गई और फिर उसके बाद इतना सारा ट्रैफिक झेलते हुए, और फिर वो कभी 7:30 कभी 8 भी बज जाता था, इसके बाद घर का भी ख्याल रखती थी तो वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी, क्योंकि हमारा इतना अच्छा वो नहीं है बैकग्राउंड के हम। कितनी मेहनत, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप लोग? रात भर जागते होंगे। बजट को कितना मैनेज किया? क्योंकि भाई नीट की कोचिंग की फीस, तमाम फीस भी देनी पड़ती है। जी सर, हाँ हमने बजट क्या, हम लोगों ने तो कोई सौख भी नहीं करी है, सारी सौख अपने बस बच्ची पे ही अपने कर दिया कि हमारी बच्ची बस बड़ी होगी तो बस वही हमारा एक सपना है, अपनी कोई भी सौख नहीं, कोई नहीं। और हमारी बच्ची ने भी जहाँ तक की हमसे कोई डिमांड नहीं करी है, एक भी डिमांड नहीं करी कि मुझे आज ये नया कपड़ा चाहिए या ऐसा कपड़ा चाहिए, पूरा रात रात पढ़ती थी, बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है।